हूँ सदर। और वो सदर उन्हीं की बात कर रहा हूँ, वो दो थे। और तुम? तीन सरदार। वो दो और तुम तीन, मतलब एक उनका ज्यादा था। वो सदर हमारा एक ज्यादा था, हम तीन थे ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपना एक कम होता तो बराबर होता। अरे सरदार, मतलब अगर उनका एक जास्ती होता तो बराबर होता ना। वो तो और तुम थी, एक आदमी एक्स्ट्रा था। कौन था एक्स्ट्रा? कौन था? क्यों रे बिरजू, जब ये दो आदमी वहां जा रहे थे तो इनके साथ लटक के जाना जरूरी था। वहां तेरी माँ की शादी थी और बिरजू दो कितना होता है? ये एक है, एक है ये एक, और ये एक और एक जब मिल जाते ना सरदार तो दो होते हैं, दो और तीन। सरदार जब दो में एक जमा होता है तो वो तीन होता है। बहुत कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, ये मिला तीन कंफ्यूजन है। अरे कौन को कंफ्यूजन नहीं है सरदार, पड़े होते तो आज ये नौबत नहीं आती। कोई एंड पड़े, ऊपर से तुमने ठाकुर का हाथ काट दिया, अब वो चौक और स्लेट पकड़े तो कैसे? हमका समझा तो नहीं कैसे? बड़ी मुश्किल से वो मौलाना के छोकरा, क्या नाम है उसका, अहमद, अहमद को लेके आए थे। गांव में सबसे ज्यादा बड़ा कुछ हो रहा था वो, लेकिन नहीं उसको भी मार दो। एक दिन तक उसको अपने पास रखा तो आज गिनती आती, लेकिन नहीं मार दो, मार दो। अब क्या खेलेंगे ना पिट्ठू? सब कुछ बताना जरूरी है। सॉरी सरदार। चल छोड़, ये बता होली कब है? कब है होली? कब है होली? चार को है। कलिया, ये चार दो के बाद आता है, ये तीन के पहले। Thank you.